न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कर्नाटक के चुनाव खत्म होने के बाद से ही लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम 12वें दिन भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। शुक्रवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में खासा उछाल देखने को मिला। दिल्ली छोड़कर चेन्नई, मुंबई और मध्य प्रदेश में पेट्रोल 80 के पार ही रहा। इंडियन ऑयल कंपनी के मुताबिक शुक्रवार को मध्य प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 83.45 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। मुंबई में 85.65 रुपये प्रति लीटर पर पेट्रोल पहुंच गया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कहा था वे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए दीर्घकालिक समाधान लाने पर काम कर रही है। हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। हमारे हिसाब से हमारा जो बजट है उससे काफ़ी अबो रेट्स जा रहे हैं और इससे हमें अपना दिक्कत हो रही है, बिजनेस में भी दिक्कत हो रही है और हमारा जो खर्चों का बजट है वो बिल्कुल ही काफ़ी आउट जा रहा है। प्रभाव तो पड़ रहा है। डेली का जो इनका रेट बढ़ाने का जो तरीका है ये गलत है। इसमें क्या है, आम आदमी को पता नहीं लग पाता कि आज क्या रेट है, कल क्या रहेगा। तो क्या है, आदमी एक अपना एम बना के चलता है कि मेरे को कितना डलाना और क्या मेरा इसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उस तरीके से ये डेली का जो ड्यूरेशन है ये ना होके एक फिक्स रेट हो जाए, जिसे आए दिन होते रहते थे कि साहब 50 पैसे बढ़ा दिया या जो भी बढ़ा दिया, एक फिक्स टाइम रहता है इनका, पर डे का ठीक नहीं। डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे लोग खुश नहीं है बल्कि परेशान है काफी। अब जो जिसके पास है वो तो ठीक है, अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब लोग कैसे करेंगे बताइए। लगातार बढ़ रहा है पेट्रोल के दामों से जनता में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही है। जनता का कहना है कि रोज़ रोज़ जो पेट्रोल और डीजल के दामों में परिवर्तन किया जाता है वो नहीं होना चाहिए, फिक्स रेट रख होने चाहिए जिससे हर आदमी अपना बजट लेकर चलता है। आदमी को इस बात के लिए चिंतित होना पड़ता है कि आज कितना पेट्रोल लेना है और कितना इतने पैसों में कितना पैसा आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से रोज़ रोज़ प्राइस में बदलाव किया जा रहा है उससे पूरा बजट गड़बड़ हो रहा है और लगातार बढ़ रही कीमतों के चलते खासकर के ग्रहणों की अगर बात की जाए तो उनका बजट भी पेट्रोल की वजह से काफ़ी बिगड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें पेट्रोल से जुड़ी होती है। ट्रांसपोर्टेशन होगा तो चीज़ें महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है पेट्रोल के दाम बढ़ने से। लगातार 12 दिन से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। मुंबई, दिल्ली छोड़कर चेन्नई, मुंबई और मध्य प्रदेश में पेट्रोल 80 रुपए के पार हो चुका है। तिरासी रुपये पैंतालीस पैसे चुकानी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, वहीं मुंबई की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पेट्रोल के जो दाम हैं वो 85 रुपये भी पार कर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल 85.65 रुपये में मिल रहा है। सरकार ने ये बात भी कही थी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए दीर्घकालिक समाधान लाने पर काम किया जा रहा है, जल्दबाजी में इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर लगता है कि जल्द ही अगर फैसला नहीं लिया गया तो जनता का आक्रोश किस रूप में सामने आएगा, ये कहना मुश्किल होगा। और
इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा। राकेश जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। राकेश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या वजह रही है कि पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं और दाम में किसी तरह की कोई कटौती के संकेत नहीं मिल रहे हैं, जिसको लेकर आज जनता से बात की गई तो उसमें भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है? क्या वजह है कि लगातार दामों में वृद्धि की जा रही है? देखिए कमर जी, जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है जी। कांग्रेस पार्टी की 10 साल जब यूपीए की सरकार थी जी, उस समय तय किया गया था कि पेट्रोलियम कंपनी पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा जी। आज आप देखिए कि पेट्रोलियम कंपनियां अपने हिसाब से दाम तय करती हैं। दूसरी बात, ईरान में जो संकट चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, और डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत कितनी कम हो गई ये किसी से छुपा नहीं है। क्रूड ऑयल का दाम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है जी। उसके बावजूद भी सरकार जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है। आपने देखा होगा कि कुछ माह पहले जब डीजल पेट्रोल का बहुत भाव बढ़ा था तो केंद्र सरकार द्वारा भी 2 रुपए कम किए गए थे और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी 2 रुपए कम किए गए थे। 4 रुपए की राहत जनता को दी गई थी। यक्ष प्रश्न निकल के ये सामने आता है कि कांग्रेस भी कई प्रदेशों में राज्य कर रही है पर वहां एक भी पैसा कांग्रेस पेट्रोल और डीजल पे कम करने के लिए तैयार नहीं है जी। दूसरी जी। बात निकल के आती है कि पेट्रोल को जीएसटी में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है जी। आपने देखा होगा कि जीएसटी काउंसिल जो बनी हुई है उसमें कांग्रेस शासित भी मुख्यमंत्री है और जो अन्य राज्य है जहां अन्य राजनीतिक दलों की सरकार है जी। वो भी उसमें शामिल है पर कोई भी दल और कांग्रेस पार्टी इस बात पे तैयार नहीं है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए। माननीय जिस तरह देखा जाए मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 80 रुपए के पार पहुंच चुका है पेट्रोल, और ये बात भी कही जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से टैक्स वसूल रही है इतना ज्यादा टैक्स किसी और प्रदेश में नहीं लिया जा रहा पेट्रोल पर। देखिए पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने जनता की चिंता करते हुए 2 रुपए कम किए थे जी। मध्य प्रदेश सरकार इस बारे में विचार की जा कर रही है कि जनता को किस तरह से राहत दी जाए जी। मुझे लगता है कि जल्दी कुछ ना कुछ इस पर निर्णय होगा और आप देख रहे हैं केंद्र सरकार भी इस बारे में विचार कर रही है, केंद्र सरकार भी राहत देने वाली है जी। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल पे निश्चित रूप से केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार जनता को राहत देगी जी। जिस तरह राकेश जी देखा जाए सरकार की तरफ से एक मत निकल कर सामने आया था कि पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उनसे राहत दिलाने के लिए दीर्घकालिक समाधान पर काम किया जा रहा है और इसमें जल्दबाजी से कोई फैसला लेना सही नहीं होगा और इसको लेकर एक इत्मीनान से फैसला लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह अगर दीर्घकालिक समाधान की बात अगर कही जाए तो धीरे धीरे पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं 80 रुपये से बढ़ते बढ़ते 83 रुपये तक पहुँच गया और मुंबई की अगर बात की जाए तो 85 रुपये भी क्रॉस कर गया है, तो कब तक समाधान निकालने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा? देखिए कल ही माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मीडिया के बंधु द्वारा देश को संबोधित किया गया था और उनने स्पष्ट रूप से वही बात कही जो आपने कहा जी। कि सरकार ये नहीं चाहती कि अभी तुरंत फौरी राहत दे दी जाए और फिर कल जनता को तकलीफ शुरू हो जाए। सरकार हर उस कदम की तरफ विचार कर रही है जिससे जनता को राहत मिले। लेकिन राकेश जी एक चीज और ये देखने में मिलती है, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं, कभी 65 पैसे, कभी 90 पैसे, कभी 80 पैसे। इस तरह देखा जाए हर रोज वृद्धि होने के साथ साथ आंकड़ा 2 रुपए 3 रुपए अगर एवरेज निकाला जाए बढ़ चुका होता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो राहत दी जाती है, मान लीजिए मिसाल के तौर पर 15 दिन में 5 रुपए पेट्रोल पे दाम बढ़ गए तो कम करने की अगर बात की जाती तो 2 रुपए कम की जाती, बढ़ते 5 है कम 2 रुपए किए जाते, ऐसा क्यों? देखिए 2 रुपए केंद्र सरकार द्वारा कम किए गए थे और 2 रुपए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कम किए गए थे, 4 रुपए की राहत मिली थी, इसके गवाह आप भी हैं। मैं एक बात कहता हूँ, निश्चित रूप से सरकार इस बारे में बहुत गंभीर चिंतन कर रही है कि किस तरह से देश की जनता को राहत मिले, और मुझे लगता है कि जब सरकार चिंतन कर रही है तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। चलिए अब देखने वाली बात होगी और इसकी उम्मीद सभी लगा रहे हैं कि जिस तरह से आसमान छूती कीमतों की बात कही जा रही है पेट्रोल और डीजल को लेकर और जल्द ही कम करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है, कब तक इसको आमलीजामा पहनाया जाएगा? राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए।